नमस्कार जी, मैं आपका कैलाश चंद सैनी, राज मार्बल मूर्ति उद्योग में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बाबा श्री महादास जी महाराज की मूर्ति की मकरण मार्बल के अंदर बनाई गई है, मकराने के पत्थर में ऊपर गोले के लिए बनाई गई है, जो हम आपको दिखाने जा रही है बाबा महादास जी की मूर्ति की फोटो। अच्छा सर, ये बाबा महादास जी की मकराना व्हाइट मार्बल से बनी हुई मूर्ति है। जी सर, मकराना व्हाइट मार्बल से बनाई गई मूर्ति है महादास जी की, इसमें लाइट पेंटिंग की हुई है। अच्छा अच्छा, और इसकी हाइट क्या है सर? इसकी हाइट है 9 इंच। अच्छा, 9 इंच हाइट के अंदर बनी हुई है, मतलब ये छोटी टाइप की मकराना मार्बल मूर्ति है। बिल्कुल छोटी साइज की मूर्ति है, 9 इंच के अंदर मकराना मार्बल के अंदर बनाई गई है। अच्छा अच्छा, मतलब कोई भी कस्टमर, मकराना में अमूमन छोटी मूर्तियां कम बनती है, फिर भी आप छोटी से छोटी साइज की मूर्ति भी बना के देने की कोशिश करते हैं कि कोई कस्टमर को चाहिए और उस साइज की नहीं मिलती है तो भी उनको संतुष्टि नहीं होती है, तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि छोटी साइज में भी उनको बना के दी जाए। बिल्कुल जी सर, उन्होंने बोला कि हमारे को 9 इंच की चाहिए। अच्छा। तो हमने बोला छोटी हो जाएगी, उन्होंने बोला हमको छोटी चाहिए, तो फिर हमने छोटी मूर्ति बना दी। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि लोग मूर्तियां बनवाना चाहते हैं और वो मकराना मार्बल में बनवाना चाहते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बहुत दूर दराज जगह बैठे होते हैं, तो अब मकराना की मूर्ति मिल नहीं पाती क्योंकि वो यहाँ आ नहीं पाते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा सोल्यूशन दे रखा है कि वो ऑनलाइन भी अपनी मूर्तियां बनवा सकते हैं। सर, ये भी ऑनलाइन ऑर्डर भी बनाया किया गया है। अच्छा, ये ऑर्डर कहाँ से है सर? ये सर लुधियाना का है। अच्छा, लुधियाना से है, और कस्टमर आपके पास यहाँ नहीं आए? कस्टमर नहीं आए, कस्टमर जब मूर्ति स्टार्ट किया तो हमने लाइव मूर्ति दिखा दिया। अच्छा, उनको बनाने का प्रोसेस आपने दिखा दिया, कम्प्लीट ऑर्डर लेने के बाद बना के तैयार करके उनके सामने बनवा दी, यहाँ से आप सीधा उनको डिलीवर भी करवा देंगे? सर, अब ये मूर्ति तैयार हो चुका है, कम्प्लीट यहाँ डिलीवरी के लिए तैयार है। अच्छा, मतलब बिना कस्टमर के आए हुए भी उनकी संतुष्टि वाली मूर्ति आपने यहाँ से बना के उनके घर तक पहुँचाने का कार्य कर दिया। जी सर, ये बिना कस्टमर के आए बगैर जो मूर्ति तैयार हो गया, डिलीवर के लिए तैयार है, घर पहुँचने के लिए। अच्छा अच्छा, तो सर कितने दिन पहले का ऑर्डर है जैसे ये वाला? ये सर कम से कम 18-20 दिन पहले का ऑर्डर है। अच्छा, 18-20 दिन पहले आपकी इनसे बातचीत हुई, पूरी डील डन होने के बाद आपने इनका वर्क स्टार्ट किया है? जी सर। और कंप्लीट काम कर दिया है, अब इसको आप उनके वहाँ तक पहुँचा देंगे? जी सर, अब पहुँचने का कार्य बाकी है। अच्छा अच्छा सर, तो सर ऐसी किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी सर, इसमें क्या है, ये मूर्ति बनाई थी उसमें क्या एक प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, ये मूर्ति देखिए आप। हाँ सर, ये मूर्ति देखिए, ये मूर्ति बनाई थी, यही मूर्ति है, कस्टमर के लिए बनाई थी। अच्छा अच्छा, पॉलिश के टाइम में देखो ये आशीर्वाद आज टूट गया। अच्छा अच्छा, मतलब सेम मूर्ति कंप्लीट ही समझो 90% बन लगी मेरे को। 90% पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद में ये आशीर्वाद टूट गया मूर्ति का। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब कुछ मूर्ति का जो पार्ट है वो मतलब डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद में हमने कस्टमर को दूसरी मूर्ति अवेलेबल कराई थी। अच्छा, मतलब उनके लिए दूसरी मूर्ति बनाई, चाहे आपका नुकसान हो लेकिन मूर्ति आप एकदम बढ़िया क्वालिटी की देना ही पसंद करते हैं। जी सर, दूसरी मूर्ति अरेंज करवाई थी, हमने खुद दूसरी मूर्ति बनाई थी कस्टमर को। अच्छा, कस्टमर ने भी बताया, मैंने हमने बताया कस्टमर को, भाई आपकी मूर्ति पॉलिश के टाइम में टूट गई है और हम आपके लिए दूसरी मूर्ति बना रहे, इसलिए हमको हमारे को 5-7 दिन ज्यादा लगे, समय ज्यादा लगे, लेकिन ये है कि भाई कार्य भी आप संतुष्टि भरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई वो चिपका के दे दी जाए, कुछ उनके साथ गलत कर दिया जाए, चीटिंग वाला काम नहीं। जी सर, आपके सामने सर हमने ये चीटिंग वाला कोई काम नहीं है, यहाँ पे हमारे मकराने के मार्बल के अंदर मूर्ति बनाई गई है, ये देखिए मकराने का पत्थर इस मूर्ति का दे दीजिए, पहले ये मूर्ति बनाई गई है, इस मूर्ति का पत्थर देख, मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ, आप देखिए मकराने का पत्थर कढ़ाई के समय, ये अभी कोई पॉलिश वगैरह नहीं की है, कढ़ाई का कार्य इसके ऊपर हुआ था और उसी समय मान लो इस मूर्ति में कुछ थोड़ा सा व्यवधान आ गया तो इन्होंने इसको, ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये वो पार्ट है जो मान लो इनका थोड़ा सा मूर्ति का टूट चुका था, इसीलिए उन्होंने मान लो इस मूर्ति को पूरा रिजेक्ट ही कर दिया और फिर नई दूसरी मूर्ति बना दी। जी सर, हमारा मानना है कि हम खंडित मूर्ति किसी को नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल, और देनी भी नहीं चाहिए, मेन काम यही है कि खंडित मूर्ति किसी को नहीं देते। बिल्कुल भाई, सही तरीके से जैसा कस्टमर विश्वास करके आपको कार्य देते हैं आप उसी तरीके का कार्य उनको प्रोवाइड कराते हो सर। जी सर, कस्टमर को तो पता ही नहीं है कि हमारी मूर्ति टूट गई है। हाँ, मतलब आप तो कैसे ही भाई चीटिंग करना चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है, भरोसे का काम है, विश्वास का है, देवी देवताओं का काम है और ईमानदारी का काम है। कस्टमर को पता ही नहीं, कस्टमर को बनने के बाद में दोनों मूर्तियों की फोटो दिखाई तो उन्होंने बोला भाई हमने तो ऑर्डर दो का दिया था, एक का दिया था। हाँ भाई, दो क्यों बनाए, दो क्यों बनाए, तो हमने फिर ये
ये जानकारी दी कि आपकी मूर्ति टूट गई है, इसलिए हमने मूर्ति दो बनाई, दूसरी बनाई। मतलब तो यही होता है सर, देखो विश्वास का सबसे बड़ी चीज है कि अगर इस तरह दिया जाता तभी लोगों का एक मूर्तिकारों पे विश्वास जगता है, इसीलिए मकराना का नाम चलता है दुनिया में। और ईश्वर करे कि ऐसा विश्वास आप लोग बनाए रखो ताकि मकराना की मूर्तियां दुनिया में यूं ही प्रसिद्ध रहे और लोग पूरी दुनिया में कहीं से भी मकराना की मूर्तियां सीधा ऑर्डर करके बनवा सकते हैं। अच्छा, तो सर इसकी प्राइस वगैरह के बारे में आप बताएंगे, जैसे किस साइड में है, कितना प्राइस आ जाता है अमूमन कोई कस्टमर बनवाता है? सर ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर लिया था सर 5,000 रुपए का। अच्छा, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये 5,000 रुपए के हिसाब से आपने ऑर्डर लिया, ऑर्डर की उन्होंने फोटो वगैरह दी होगी भाई हमें ऐसे कुछ बनवाना? जी सर, वो ऑर्डर की हमने जो इन्होंने तस्वीर दी थी वो तस्वीर वो क्या पेंटिंग करते समय इधर उधर हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है सर, इसलिए अभी आपको दिखा नहीं पा रहा। हाँ, बाकी ये होता है कि भाई जैसे कोई फोटो से बनवाते हैं तो फोटो दिखाने के बाद ही रेट तय होती है। हाँ, क्योंकि मूर्ति में काम देखा जाता है कि भाई कितना है, साइज और मूर्ति की डिजाइन के हिसाब से प्राइस तय हो जाती है। हाँ जी सर, इसमें क्या हमने ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेने के बाद वो क्या बोलते हैं जैसे जबान का काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जबान का काम है, हमारे पड़ता कुछ नहीं, खा रहा पोसा था कुछ नहीं है, हमने जबान कर दी, हम अपनी जबान पे खड़े हैं। बिल्कुल, देखो सर यही होता है एक्चुअली, मूर्ति की जगह ये मूर्ति खंडित हो गई तो इसको साइड में कर दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये मूर्ति वापस हमने दूसरा बना के तैयार करके ये कस्टमर को डिलीवर करेंगे। बिल्कुल, देखो सर ऑनलाइन की चीजों में विश्वास इसी तरह के होता है, ऐसा चलता है तभी लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर पाते हैं, क्योंकि इसी विश्वास को बनाए रखना पड़ता है। और ये आपने रखा है ये बहुत ही अच्छी चीज है, और इसे क्या जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं कस्टमर उनको संतुष्टि होती है कि नहीं साहब हमारा जो काम है वो एक नंबर का होगा, हमने जहाँ दिया है वो बेस्ट काम होगा। बिल्कुल सर, अभी देखो यहाँ जिस ये काम किया हुआ राम राम लिखा हुआ है जी सर, देखिए बिल्कुल मैं देखो यहाँ पे सीधा पत्थर पे लिखा हुआ है सर। अच्छा, सीधा पत्थर पे ही लिखा हुआ है, मैं आपको कलर अलर कुछ नहीं किया हुआ। बिल्कुल, आप देखिए कितनी बहुत ही प्यारी सुंदर मूर्ति का आप लुकिंग दिखाई दे रही है। और मकराना मार्बल में जब कोई मूर्ति बन जाती है तो वो वैसे भी दुनिया की सबसे बेस्ट होती है। हाँ जी सर, और दुनिया में कोई भी जब मूर्ति बनवाना चाहते हैं अपने गुरुजन की, परिवारजन की या किसी देवी देवताओं की, तो वो चाहते भी हैं कि वो मकराना मार्बल में बने, क्योंकि ये सबसे ज्यादा गौरवशाली पल होता है कि मकराना मार्बल की मूर्ति। जी सर, मकराना मार्बल की बनने में मकराना मार्बल क्या कभी भी खराब नहीं होता है। बिल्कुल, जैसे ये मूर्ति अब आज बन गई तो मतलब ये जब तक रहेगी ये ऐसी रहने वाली रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा सर, पीढ़ी तब पीढ़ी चल जाएगी, पर मूर्ति ऐसी की ऐसी। बिल्कुल, यही मकराना मार्बल की सबसे अच्छी खास बात है। तो आपसे अगर किसी कस्टमर को ऑनलाइन मूर्ति बनवानी हो तो आपसे संपर्क कर सकते हैं, आप उनको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, उनके हिसाब से उनकी रेट वगैरह उसकी भी जानकारी देते हैं और संतुष्टि से उनकी मूर्ति बना के उनके नजदीक स्थान तक पहुंचा देते हैं। सर वो क्या जब ट्रांसपोर्ट से मूर्ति पहुंच जाएगी, जहाँ से जैसे मान के चलो यहाँ से गाड़ी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल गाड़ी जाती है, तो उनके जो घर पे तो नहीं पहुंचती, पर उसके जो एरिया में नजदीकी एरिया में पहुंचा दी जाती है, क्योंकि आपको सावधानी से पहुंचानी होती है, कूरियर के हिसाब से नहीं पहुंचा सकते क्योंकि मूर्तियां टूट जाती है बहुत ही ज्यादा, ये संभाल के रखनी पड़ती है। सर ये मार्बल की मूर्ति है, जैसे मान लो एक तरह का कांच है, कांच जैसे खराब हो जाए खंडित हो जाता है, इस तरह मूर्ति खंडित होने बाद में कुछ काम की नहीं रहती, तो आपको इसको सावधानी के साथ इनको पहुंचानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कैलाश जी इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारियां मकराना मार्बल की आप देते रहेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं, और ये सारी मूर्तियां आप स्वयं बनाते हैं, कैलाश जी खुद इन मूर्तियों को तराशते हैं, ये खुद एक कारीगर हैं और पूरा अपना शोरूम चलाते हैं, तो आप इनके हाथों से बनी हुई अद्भुत सुंदर मकराना मार्बल की मूर्तियां कभी भी इनसे बनवा सकते हैं। थैंक यू कैलाश जी। नमस्कार।